ऋषभ पंत जब से दिल्ली कैपिटल्स से निकले तब से दिल्ली कैपिटल्स की पनौतियां लगना शुरू हो गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऊपर से डेविड वार्नर कप्तान बने तब से तो 6 मैच लगातार 6 मैच उन्होंने हार गया। 8 मैच के अंदर 6 मैच दिल्ली कैपिटल्स हार चुके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू NWA ऑफ क्रिकेट विद 3 के साथ हम बात करने वाले दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस हैदराबाद मैच की, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों 9 रन से हार जाता है। हैदराबाद 197 पर 6 विकेट मारता है। दिल्ली कैपिटल्स 9 रन से दोस्तों मैच हार जाता है। मैच का हारने का पॉइंट है, शुरू से अच्छा खेले 10-11 ओवर अच्छा खेले, 11 ओवर जब फिल्स वर्ट का विकेट गिरा ना, उसके बाद तो जो मैच चला भाई दिल्ली कैपिटल्स की हार ही हार, ऐसा खेल रहे थे टुक 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 करके खेल रहे थे। हैदराबाद वालों ने दिल्ली में हरा कर उस चीज़ का बदला ले लिया जो कि दिल्ली वालों ने हैदराबाद में जाके उसको हराया था 7-8 रन से, जो कि 137 रन का लक्ष्य था। और जो हैदराबाद वालों ने हारा था ना उसके घर में, उसके दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह मारा था उसी तरह दिल्ली कैपिटल्स के आज अरुण जेटली स्टेडियम हैदराबाद वालों ने घर में घुस के मार दिया। ये मैच दोस्तों जीतने लायक था क्योंकि 10 ओवर में 83 पर 4 विकेट हो गए थे SRH के। फिर उसके बाद एक हेनरिक क्लासन जैसा तूफान आता है, वो पीट पीट के एकदम गर्दा उखाड़ देता है दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स की। दोस्तों SRH के बैट्समैन अभिषेक शर्मा 67 रन 35 गेंदों में उन्होंने मारा, और हेनरिक क्लासन 51 रन 25 गेंद में, अब्दुल समद 29 रन उन्होंने मारा। भाई ये तीनों मेन साझेदारियाँ बनी और उसमें से कोई चले नहीं। राहुल त्रिपाठी जैसे कि हमेशा वो फ्लॉप ही रहते, कोई मैच में वो चलते हैं कोई मैच में नहीं चलते, लगातार 5 बार उनसे एकदम फ्लॉप, एकदम 1 रन नहीं निकला है उनके बल्ले से, जैसे समझ लीजिए 10-12 रन निकलेगा 8 करोड़ 10 करोड़ रुपये खर्चा करके तो कौन सी उनके लिए बड़ी बात है। एक तरफ दोस्तों फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है यार। गजब मिचेल मार्श बॉलिंग से भी प्रदर्शन किए, बैटिंग से भी उन्होंने हाफ सेंचुरी मारा, और मिचेल मार्श इस तरह के हुए कि हैरी ब्रुक्स जो अगर कैच नहीं पकड़ते तो 6 जाता, एकदम कैच लाजवाब कैच था भाई। दाद देनी पड़ेगी अगर तुम रन बना नहीं मारा पा रहे हो, रन बना के अगर आप टीम को समर्थ नहीं कर पा रहे तो आप कैच से फील्डिंग से कीजिए, वो 6 बचा के अगर विकेट नहीं गिरता क्या पता दिल्ली का मैच जीत जाती और हैदराबाद मैच हार जाती। मिचेल मार्श 4 ओवर में 1 मेडन डाल के यार 4 विकेट निकालने लगा, बहुत बड़ी बात है यार। हर बैट्समैन को, राहुल त्रिपाठी हो जो भी बैट्समैन आया उसको उन्होंने ही आउट किया, एडन मार्करम को उन्होंने ही आउट किया, 4 विकेट निकाला, ऊपर से रन मारा, प्लेयर ऑफ द मैच कैसे मिचेल मार्श ही बने। अभिषेक शर्मा की तारीफ करना जानी है भाई, अभिषेक शर्मा को दाएं बाएं ऊपर नीचे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हर नंबर पे उनको खिलाया जा रहा है। वो प्लेयर है कि पता नहीं क्या चीज़ है कि उनको हर नंबर पे पोजीशन मिल जा रहा है, हर नंबर वो रन मार भी रहे, ऐसा नहीं है नहीं मार रहे। उनको राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप कर देना चाहिए हैदराबाद को और अभिषेक शर्मा को खिलाना चाहिए। मयंक अग्रवाल के बल्ले से रन ही नहीं निकले इस साल, पता नहीं कौन सा उनके पास पनौती लग गया कि उनके बल्ले से वो रन निकल ही नहीं रहा। और दोस्तों दिल्ली में अक्षर पटेल उनका भी 4 ओवर में मात्र उन्होंने 18 रन दिया, ऊपर से 15 गेंद में 29 रन मारा। अगर अक्षर पटेल सरफराज या प्रियमगढ़ के पहले आ जाते ना तो अक्षर पटेल तो मैच लेके चले जाते, क्योंकि 13 ओवर तक खास अच्छा चल रहा था, जब तक मिचेल मार्श का विकेट था ना तब तक अच्छा मैच चल रहा था। उसके बाद जब विकेट गिरा हैरी ब्रुक्स कैच हुआ उसके बाद जो मैच गड़बड़ाया है ना भाई, पूरा एकदम हैदराबाद के हाथों में मैच चला गया। हैरी ब्रुक्स पे यार हैदराबाद वालों ने पैसा बर्बाद कर दिया, 13 करोड़ 25 लाख उनको दे के खरीदा गया था, लेकिन वो 1 शतक मारने के बाद उसके बाद उनसे बल्ले से उनके बल्ले से रन ही नहीं निकला, हर मैच में वो आउट हो जा रहे हैं। अब देखिए फिर अगर शतक मार दे तो हम लोग का मुंह बंद कर देंगे, अब दिखाएंगे आप ये करेंगे आप वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, मार चूत गई। भुवनेश्वर कुमार जब पहले ओवर करना है तो उसमें डेविड वार्नर को उन्होंने आउट किया, डेविड वार्नर भी रहते तो अच्छा खासा वो चल जाता क्योंकि उनको तो बेधर्मी का इंतकाम देखेगी, हैदराबाद से तो उनकी ऐसे ही पर्सनल दुश्मनी रहती है। पता नहीं यार सरफराज अहमद को किस लिए खिलाते दिल्ली कैपिटल्स यार, कोई मैच वो चलता ही नहीं, टेस्ट प्लेयर को यार T20 में खिलाओगे तो वो प्लेयर चलेगा, हमेशा टेस्ट की तरह खेलेगा और बार बार आउट होता जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के इतने बड़े बड़े बल्लेबाज थे, रिकी पॉन्टिंग सौरभ गांगुली जैसे कोच हैं, और क्या रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच हैं यार तब भी इतने वाइड डिसीजन ले रहे हैं, अब उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। लेकिन हम लोग यार बहुत मिस कर रहे हैं ऋषभ पंत को भाई, जो मैच आके फिनिश कर जाते थे, कब आइएगा ऋषभ पंत भैया कि आप मैच फिनिश कीजिएगा। दोस्तों एक ही ओवर में मार्करम का और हैरी ब्रुक का विकेट निकालना सबसे खास मुझको लगा यार, क्या फील्डिंग सेटअप किया गया था हैरी ब्रुक के लिए, अक्षर पटेल दोनों का कैच उन्हें नहीं पकड़ा लेकिन फील्डिंग गजब मिचेल मार्श ने सेट किया, तब वो सेट किए कि डेविड वार्नर सेट किए, अब वो तो उन्हीं लोग को पता है, लेकिन भाई गजब का वो ओवर था, मेडन ओवर ओवर से मिचेल मार्श ने निकाला। खैर दोस्तों मैच तो जीतने हारने के लिए होता कि कोई एक ही टीम जीतेगी, अब कोई एक मैच हारेगा ही हारेगा।
हैदराबाद दोस्तों अभी भी टीम बाहर नहीं हुई है, 8 मैच उसके 6 पॉइंट। अब देखिए अगर ये टीम क्वालिफाई कर जाती तो क्या पता उनका हैदराबाद वाले जो एडन मार्कम उनका किस्मत बहुत अच्छा, साउथ अफ्रीका लीग में वो ट्रॉफी जीत के आए हैं। अब देखिए इसमें भी अगर किस्मत चमक जाए तो क्या कहा जा सकता है। दिल्ली कैपिटल्स के दोस्तों मेन हार की वजह अक्षर पटेल बने, जो कि सरफराज अहमद प्रियम गर्ग के नीचे खेल रहे हैं, अगर वो ऊपर आ जाते प्रियम गर्ग की जगह उसको खिलाया जाता तो दोस्तों कहीं मैच जीत सकते थे। प्रियम गर्ग 3 नंबर वाले बल्लेबाज है, उनको 5 नंबर 4 नंबर आप खिलाइएगा तो वो रन थोड़े ना मारेंगे। अक्षर पटेल को नीचे खिला के उनको क्या मौका दे जाए, इससे ज्यादा मौके तो करण जौहर के इंडस्ट्री के बाहर लोगों को दे देते हैं। अगर अक्षर पटेल को ऊपर नहीं खिलाया तो रिलीज कर दिया, कम से कम कोई दूसरी टीम तो मौका तो देगी उनको ऊपर खिलाने का और मैच जीतेगी भी। तो दिल्ली वालों भारी मिस्टेक कर दी तुमने अक्षर पटेल को नीचे खिला के, अगर ऊपर खिलाए होते तो अक्षर पटेल क्या नहीं तुम्हारे लिए कर दिए होते। बैटिंग बहुत खास है, पहले 10 ओवर में अभिषेक शर्मा चमके थे, दूसरे 10 ओवर में हैंडल क्लासन चमके, दोनों हाफ हाफ सेंचुरी बना के 197 रन का लक्ष्य बनाया। बिल आज मैच है दोस्तों चेन्नई और पंजाब का, देखते हैं अब चेन्नई और पंजाब में कौन मैच जीतता है। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फेसबुक देखो तो फॉलो जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए कुछ नहीं लेकिन हम लोग के लिए बहुत है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।